दोस्तों यदि आप भारत को आज का मैच जिताना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीन मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया की नजर अब T20 की नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ चले आ रही जीत के सूखे को खत्म करने पर है। अब से कुछ ही घंटे बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है। कोटला में होने वाला ये मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का आखिरी मुकाबला होगा। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में होने वाले इस मैच के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 5 मैच में जीत कीवियों के हाथ लगी है। आखिरी बार ये दोनों ही टीमें वर्ल्ड T20 2016 में आमने सामने थी, जहां भारत 127 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 79 रनों पर लुढ़क गया था। टीम इंडिया इस मैच में सारे रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ एक नया इतिहास बनाने के इरादे के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कोहली की नजर अब मिशन T20 पर। टेस्ट में नंबर 1, वनडे में नंबर 2, लेकिन क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में कोहली एंड कंपनी 5वें पायदान पर है। विराट कोहली की नजर इस फॉर्मेट में भी भारत को टॉप तक पहुंचाने पर है। टीम इंडिया अगर ये सीरीज 3-0 जीत लेती है तो वह दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ को इतिहास भी कोहल की इस टीम के साथ नहीं है और ऊपर से न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन भी उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। नेहरा जी के प्लेइंग शी में शामिल होने की प्रबल संभावना। वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद ने ये कहकर सभी को चौंका दिया था कि जरूरी नहीं है कि अपना आखिरी मैच खेल रहे आशीष नेहरा को अंतिम 11 में जगह मिल जाए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का माहौल है उसे देखते हुए ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि विराट कोहली इस मैच में नेहरा को प्लेइंग शी में शामिल करते हुए एक शानदार विदाई का मौका देंगे। अगर ऐसा होता है तो भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह में से किसी एक गेंदबाज को आराम दिया जा सकता है। श्रेयस अय्यर का भी हो सकता है डेब्यू। पिछले कुछ मैचों से कोहली एंड कंपनी मध्य क्रम में कई फेरबदल कर रही है और कई बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस मैच से दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्रिकेट जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अय्यर को मनीष पांडे की जगह टीम में मौका मिला सकता है। कोटला की पिच का पेंच। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मैदान पर टेस्ट और वनडे में कई ऐतिहासिक मुकाबले खेले हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब टीम इंडिया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला पर कोई T20 मैच खेलने उतरेगी। कीवियों के लिए भी कोटला के आंकड़े अच्छे नहीं रहे हैं। भारत में अगर किसी एकमात्र मैदान पर न्यूजीलैंड को T20 में हार मिली है तो वह कोटला ही है, जहां वह T20 2016 के सेमीफाइनल में उन्हें इंग्लैंड में शिकस्त दी थी। पिच की बात करें, कोटला की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के लिए उपयुक्त है, हालांकि स्पिन गेंदबाजों को भी इस पर मदद मिल सकती है। मौसम का मिजाज। दिल्ली में दिन में तो तापमान 32 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन शाम होते ही इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊपर से उसकी भी पूरी संभावना रहेगी, ऐसे में जाहिर है गेंदबाजों को एक बार फिर बल्लेबाजों के साथ साथ उससे भी निपटना होगा। दिल्ली के इस मैदान पर माहौल क्रिकेट का तो होगा ही साथ दर्शकों की नजर अपने चहेते और लोकल हीरो आशीष नेहरा को एक शानदार विदाई देने पर भी होगी। नेहरा भी चाहेंगे कि अपने इस आखिरी मैच को ऐतिहासिक का बनाते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में पहली जीत हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाएं। नेहरा जी के लिए जीत से बढ़कर और कोई विदाई गिफ्ट नहीं हो सकता।